दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों जो कि अलग अलग विभागों के हैं, सभी विभागों में अब उम्र की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने एक नया अपडेट है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लंबे समय से इंतजार था कि कब उम्र को बढ़ाया जाएगा, 62 साल से 65 साल किया जाएगा। फिलहाल अभी किन विभागों पर इस उम्र सीमा को लागू किया गया है, साथ ही अलग अलग विभागों के जो 62 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र के क्राइटेरिया में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भी 65 साल करने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसको पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर। अपडेट जानकारी दिखाएंगे, बड़ी खबर है। सेवानिवृत्त की आयु 65 साल होगी। भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर फैसला लेने की तैयारी में मोहन सरकार। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बार प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 3 साल बढ़ाकर 65 वर्ष कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है। यह स्थिति पदोन्नति में आरक्षण के चलते निर्मित हुई है। प्रदेश में हर साल कर्मचारी बड़ी संख्या में बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त के अनुपात में भर्तियां नहीं हो रही हैं। अब राज्य सरकार प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने वाली आयु सीमा में एक रूपता लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में प्राध्यापक, चिकित्सा, नर्सिंग सहित कई सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। बाकी विभागों में सेवानिवृत्त आयु 62 साल है। इसको देखते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र 2023 में रिटायरमेंट की उम्र में एक रूपता लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसको लेकर कदम भी आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर असहमत जाहिर की थी। अब सरकार के स्तर पर एक बार फिर से सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष करने की तैयारी को शुरू कर दिया गया है और इसको जल्द ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में 2018 तक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 में इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था। अब 6 साल बाद फिर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है। आयु सीमा बढ़ाए जाने तथा सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा। माली हालात ठीक नहीं होने के कारण कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पर शासन को एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 2 सालों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। इसको लेकर वित्त विभाग की राय भी मांगी गई है और जैसे ही राय आती है वैसे ही इन कर्मचारियों की आयु बढ़ाने संबंधी स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे। फिलहाल अभी जो आदेश जारी हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष कॉलेजों में पदस्थ आयुर्विज्ञान के अंतर्गत होम्योपैथी और यूनानी समेत अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया है। अब तक आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष थी, जिसे बढ़ा करके 65 कर दिया गया है। वहीं लगातार मंत्री भी ऐलान कर रहे हैं अलग अलग मंचों से, अलग अलग अवसरों पर।